तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को याद है लास्ट हमने कौन से वर्ड्स पर डिस्कशन किया था? किसी को याद हो तो किस श्लोक पर हमने चर्चा करी थी, कौन सा श्लोक लिया था? भगवद गीता। कोई भी अगर बताना चाहे। उस पे करी थी ना जिसमें 5 रीजंस थे और अर्जुन क्यों फाइट नहीं करना चाहता था। क्या है, हमने 5 रीजंस डिस्कस किए थे जो अर्जुन ने दिए थे, बेसिकली प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे जो हाँ जी अर्जुन ने दिए थे, है ना, हाँ युद्ध जी ना करने के लिए, युद्ध छोड़ने के लिए। किसी को याद है 5 प्रिंसिपल्स रीजंस क्या थे? आप लोग ना कैमरा ऑन कर सकते हैं, मेरे कैमरे में प्रॉब्लम आ रही है, कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा है। लोग प्लीज अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज इट विल बिकम लाइक मोर इम्पर्सनल, कि हम इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति से बात कर रहे हैं, ब्रह्म ज्योति से कुछ सुन रहे हैं, वी आर पर्सनल्स। हाँ किसी को याद नहीं क्या थे वो 5 रीजंस जो अर्जुन ने दिए थे? शायद आपको याद होगा, पहला था कंपैशन, लैक ऑफ एंजॉयमेंट, बहुत अच्छा है, हिमांशु को याद है। और कोई तो बड़े मतलब बड़े इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्योंकि ये सिर्फ अर्जुन के रीजन नहीं है, हमारे रीजन भी हो सकते हैं ना, हमारे रीजन होते ही हैं ये भी। वो कंपैशन आ रहा था जो कि मटेरियल लेवल पे था, अर्जुन को लैक ऑफ एंजॉयमेंट दिख रही थी कि क्योंकि जब सारे परिजन चले जाएंगे तो मैं एंजॉय किसके साथ करूंगा, है ना। और क्या लग रहा था अर्जुन को, फैमिली ट्रेडिशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना, अगर मैं सभी को मार दूंगा तो फैमिलीज ही नहीं बचेंगी, महिलाएं क्या होंगी, जितनी भी लेडीज हैं वो अनप्रोटेक्टेड हो जाएंगी, है ना, और जिनकी वजह से क्या होगा, अनप्रोटेक्शन में आने की वजह से उनकी वर्ण संस्कार पैदा होंगे, अनवांटेड प्रोजिनी होगी, जिससे क्या अधर्म फैलेगा। अर्जुन ने एक ये भी रीजन दिया था। तो ऐसे अर्जुन ने भगवान को बड़े अच्छे अच्छे जेन्युइन रीजन दिए है, बस युद्ध ना करने के लिए। बेसिकली भगवान ने जब अर्जुन के रीजन सुने, भगवान ने अर्जुन को शाबाशी नहीं दी। मैं आपको दिखाता हूँ भगवान ने क्या बोला। अर्जुन से कह रहे हैं दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में, सेकंड चैप्टर के सेकंड वर्ड्स में भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच, कुतस्त्वा शमलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हैड सेड, माय डियर अर्जुन, हाउ हैड दीज इम्प्योरिटीज कम अपॉन यू। भगवान अर्जुन को क्या बता रहे हैं, इम्प्योरिटीज है जो तुम्हारे अंदर आ गई है, ये कैसे आई है, दे आर नॉट एट ऑल बेफिटिंग ए मैन हु नोज द वैल्यू ऑफ लाइफ, दे लीड नॉट टू हायर प्लैनेट्स बट टू इनफेमी। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि ये जो व्यक्ति अपनी जिंदगी की जो लाइफ की जो एक्चुअल वैल्यूज है उसको जानता है, वो ऐसी बातें कैसे कर सकता है, उसको नहीं करनी चाहिए ऐसी बातें। दे लीड नॉट टू हायर प्लैनेट्स, वो ऊंचे लोकों में लेके नहीं जाएगी बट इनफेमी करेगी, है ना, आपका डिफेम करेगी आपको, भगवान कह रहे हैं अर्जुन से। तो अर्जुन ने तो बड़े अच्छे अच्छे जेन्युइन रीजन दिए थे युद्ध ना करने के, बट भगवान अर्जुन को इस तरीके से डांट रहे हैं। आगे देखिए भगवान और क्या कहेंगे, अभी अर्जुन और भी बोलेगा भगवान से, भगवान कैसे कह रहा है देखिए, कि ओ किलर ऑफ एनिमीज, भगवान को संबोधित कर रहा है कि आप भी तो क्या एनिमीज को मारने वाले हो, है ना, अब मधुसूदन हो, अपने मधु नाम के एक डीमन को मारा है, हाउ कैन आई काउंटर काउंटर अटैक विद एरोज इन बैटल मैन लाइक भीष्म एंड द्रोण, मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ भीष्म एंड द्रोण जैसे पर्सन से, जो कि क्या है वर्थ ऑफ माई वर्शिप, जो कि मेरे लिए पूज्य है। इट वुड बी बेटर टू लिव इन दिस वर्ल्ड बाय बैगिंग, इससे अच्छा तो क्या मैं भीख मांग के यहाँ पे रहूंगा, टू लिव एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ ऑफ ग्रेट सोल्स हु आर माय टीचर्स।
कि मैं अपने टीचर्स को मारू, इससे अच्छा तो क्या मैं भीख मांग के रहूंगा। इवन थो डिजायरिंग वर्ल्डली अगेन गेन दे आर सुपीरियर्स, अगर वो तब भी डिजायर कर रहे हैं इस भौतिक जगत की चीजों को, इस वर्ल्डली डिजायर्स, वर्ल्डली गेन को, प्रॉफिट को डिजायर कर रहे हैं, तब भी क्या है वो मेरे सुपीरियर्स है। इफ दे आर किल्ड, एवरीथिंग वी एंजॉय विल बी टेंटेड विद ब्लड। अगर मैं उनको मार भी दिया ना मैंने, तो जो भी मैं एंजॉयमेंट करूंगा ना वो उनके खून में लिपती। नाउ डू वी नो विच इज बेटर। अब अर्जुन यहाँ पे इनडिसीजन दिखा रहा है, जो अर्जुन का पांचवा रीजन था युद्ध ना करने का, इनडिसीजन, कि नाउ डू वी नो विच इज बेटर। हम तो ये भी नहीं जानते कि बेटर क्या है, कि कॉन्करिंग देम और बेइंग कॉन्कर्ड बाय देम, कि उनको हराना या उनके द्वारा हारे जाना। इफ वी किल्ड द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र वी शुड नॉट केयर टू लिव, येट दे आर नाउ स्टैंडिंग बिफोर अस ऑन द बैटलफील्ड। अब अर्जुन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक बोल रहा है। देखिए यहाँ तक ना भगवान ने अब तक तो अर्जुन को ज्ञान नहीं दिया, भगवान को सिद्धांत को प्रिंसिपल कुछ बताना स्टार्ट नहीं किया, कुछ गीता भी भगवान ने कुछ भी बोलना स्टार्ट नहीं किया। तो क्यों? क्योंकि अब तक अर्जुन भगवान को बता रहा है कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, है ना। अब तक अर्जुन ने भगवान की सुपेरियरिटी को एक्सेप्ट नहीं किया, अर्जुन अपनी सुपेरियरिटी दिखा रहा है कि भगवान ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो अब तक क्या, भगवान ने अर्जुन के किसी भी बात का ना एक जेन्युइन रिप्लाई नहीं दिया उसको, अब तक उसको काटना स्टार्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने अब तक सरेंडरनेस नहीं दिखाई, अब तक अर्जुन सरेंडर नहीं हुआ भगवान के सामने, तब तक भगवान बोले नहीं। तो यही है, अगर हमें भी गीता समझनी है, भगवान के ज्ञान जानना है, तो हमें भी ये सरेंडरनेस आनी चाहिए। अर्जुन क्या बोल रहा है इस श्लोक में, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत ही सुंदर वर्ड्स भी है ये। 2.7, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव प्रच्छामि त्वं धर्म संरचयिता यत श्रेयाशान निशिचितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वं प्रपन्नम्। अर्जुन क्या कह रहा है, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, क्या हो गया है मैं इतना बिविल्डर हो गया हूँ, दोषो पहत स्वभाव कि मेरे को बिविल्डरनेस के कारण कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रच्छामि त्वाम धर्म समूढ चेता, मैं तुमसे प्रश्न कर रहा हूँ, प्रच्छामि त्वाम तुमसे प्रश्न कर रहा हूँ, धर्म समूढ चेता, तुम कौन हो, तुम साक्षात स्वयं धर्म हो, है ना, तुम स्वयं रिलीजन हो। यश श्रेया श्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्न, इसलिए क्या करो आप मुझे बेस्ट चीज बताओ जो मेरे लिए बेस्ट है ना। मैं कौन हूँ, शिष्यस्ते हम, मैं तुम्हें तुम्हारा शिष्य हूँ, शादी माम तोम प्रपन्न, मैं आपका शिष्य के रूप में हूँ और मैं आपको क्या एक्सेप्ट कर रहा हूँ अपने गुरु के रूप में, इसलिए माम तोम प्रपन्न, इसलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ। तो ये बहुत सुंदर वर्ड्स है, इस पर अर्जुन क्या है भगवान को सरेंडरनेस दिखा रहे हैं, सरेंडर हो रहे हैं कि हाँ अब क्या है, अब भगवान अब मुझे एक्चुअल में बताओ होना क्या। तब तो अर्जुन भगवान को बता रहा था क्या होना चाहिए, बट अब अर्जुन ने हार मान ली है ना। अब अर्जुन भगवान से कह रहा है, भगवान अब आप बताओ, आप सुपीरियर हो, मैं आपको गुरु एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल आ रहा है भगवद गीता का, जिसमें तो भगवान भगवद गीता के 4 चैप्टर में बताएंगे, गुरु एवं परंपरा प्राप्ता, भगवान गीता के बारे में बता रहे हैं कि भगवद गीता ही परंपरा के थ्रू एक्सेप्ट की जाती है। जो ज्ञान है ना, स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये बिना स्पिरिचुअल के, बिना गुरु के हम रिसीव नहीं कर सकते, है ना। अब हम कैसे जाने कि हमें भगवत गीता से जो हमें ज्ञान मिल रहा है, इज इट बोना फाइड और नॉट, है ना। एनीवन कैन क्वेश्चन दिस, कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। मैं आप लोगों से पूछूं कि आज जो हम गीता पढ़ रहे हैं, आप इसका क्या प्रूफ है हमारे पास कि वो ये एक्चुअल भगवत गीता है जो भगवान ने अर्जुन को 5,000 ईयर्स पहले बोली थी। आज के टाइम पे तो 900+ भगवत गीता के एडिशंस है, सोच नहीं सकते, 900 तरीके की भगवत गीता लिखी जा चुकी है। बहुत ही शर्म वाली बात है हमारे लिए कि ऐसे लोग आके हमें गीता पढ़ा रहे हैं जिन्होंने कभी गीता, क्या गीता के सिद्धांत तो छोड़ो, भगवान कृष्ण का भी नाम नहीं सुना होगा, वो आके गीता पे कमेंट्री देके मार्केट्स में भगवत गीता के नाम पर बेच रहे हैं, और हम लोग क्या है श्रद्धा भाव से उसको खरीद के पढ़ भी रहे। बट अगर हम यहाँ पे ये भगवत गीता एज इट इज, गीता यथारूप पढ़ रहे हैं, क्योंकि तो इसको उनकी पब्लिकेशन है, तो इसकी भी क्या बोनाफाइड है, इसका भी क्या प्रूफ है कि ये रियल है, कि ये भगवान ने बोली थी, कोई बता सकता है? अच्छा मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं, आप लोग अपने वीडियो ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, शुड बी मोर इंटरेक्टिव। मेरी तो वीडियो ऑन मैं कर नहीं पा रहा क्योंकि कैमरे की खराबी की वजह से, बट आप लोग ऑन कर सकते हैं एक बार। हाँ तो आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछूं, आप सब लोगों ने, सब लोग यहाँ ग्रेजुएटेड हैं, ग्रेजुएशन पर पोस्ट ग्रेजुएशन भी होंगे यहाँ पे जो कर रहे होंगे या कर चुके होंगे, तो आप सब लोगों ने एक बेसिक चीज तो पढ़ी होगी ना स्कूल में, जो स्कूल में पढ़ाई जाती है, वो क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये अल्फाबेट सबको आते हैं ना, ए बी सी डी सभी को आती है, ऐसा तो नहीं है कि किसी को ये इनके बारे में नहीं पता, सबको पता है। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूं कि जिसको आज हम ए बोलते हैं या ए लिखते हैं, है ना,
जिस शेप को हम ए बोलते हैं, जिसने अल्फाबेट को बनाया है, इन्वेंट किया था इन पूरी लैंग्वेज को और इन अल्फाबेट्स को, उसने इस ए को ही ए बोला था, ये कोई बता प्रूव कर सकता है? आप समझे क्वेश्चन क्या था? आज हम जिस शेप को ए बोल रहे हैं, जिस अल्फाबेट को ए बोल रहे हैं, उसके इन्वेंटर ने भी उसी अल्फाबेट को ए बोला था, इसका कोई प्रूफ है हमारे पास? हो सकता है उसने बी को ए बोला हो, जिसको आज हम ए बोल रहे हैं, और बी को, हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो हमारे पास ऐसा क्या प्रूफ है जिससे हम ये प्रूफ कर पाए कि हाँ, जिसने अल्फाबेट्स बनाया है, जिसने उसको इन्वेंट किया है, उसने ए को ए ही बोला था, जिसको आज हम ए बोल रहे हैं? गैस करिए, कैसे कैसे आप इसको बोनाफाइड प्रूफ करेंगे? करिश्मा आप बताओ, आपने तो एबीसीडी पढ़ी होगी, आप बताइए कैसे, आप कैसे आप प्रूफ करोगे कि जो आपने एबीसीडी आप पढ़ के आए हो वो बोनाफाइड है, ऑथराइज्ड है? कोई भी, ये तो बहुत इजी है यार, मैंने तो आपसे आपकी ग्रेजुएशन के, आपके स्किल्स के ऊपर तो मैं क्वेश्चन ही नहीं कर रहा, सीधा नॉर्मल सा बेसिक सा बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन है कि आप जो अल्फाबेट सीख के आए हो उसको ऑथराइज आपको प्रूव करना है। जी मैं बताऊं जी, बिल्कुल बिल्कुल बताइए। जैसे हमारे स्कूल्स में भी या इवन घरों पे भी हमारे जो पेरेंट्स को हम जिन पे ट्रस्ट करते हैं, इवन स्कूल्स के अंदर हम अपना पहला जो टीचर मानते हैं या किसी पे ट्रस्ट करते हैं वो हमारे टीचर्स होते हैं। तो वो जो हमें बात कहते हैं ना, हम उन्हें बस ट्रस्ट जो ये भरोसा होता है ना उस पर यकीन करके हम मान लेते हैं कि ये जो करा रहे हैं हमें सही करा रहे हैं। जैसे उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं ना, तो सेम एज इट इज। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया टीचर्स का, कि हम किससे सीख के आए हैं अल्फाबेट्स, या कुछ भी हमने कुछ पढ़ाई करी है स्कूल में कॉलेज में, किससे पढ़ी है, किससे सीख के आए हैं, ये हम किसी टीचर से सीख के आए हैं। हम स्कूल में गए तो ऐसा तो नहीं स्कूल में जाके टीचर को उल्टा पढ़ा रहे हैं, हम टीचर से पढ़कर आए हैं ना, हमने अल्फाबेट टीचर्स को सिखाए नहीं, टीचर्स ने हमें सिखाया, हमने टीचर्स की अथॉरिटी को एक्सेप्ट किया है कि हाँ वो हमें पढ़ा रहे हैं तो ठीक ही पढ़ा रहे होंगे। अब बट इस पे एक क्वेश्चन और आता है कि अब आपको कैसे पता वो टीचर बोनाफाइड था, कि आप सही स्कूल में सही टीचर से पढ़ के आए हो, ये आपने कैसे जज, आपके पेरेंट्स ने कैसे जज किया था, ये आप कैसे आप इसको प्रूफ करोगे? ऑब्वियसली आप किसी रिकॉग्नाइज किसी इंस्टीट्यूशन से पढ़े हो ना, ऐसा तो नहीं ना कि आपने किसी मोहल्ले में भैया दीदी के ट्यूशन से अपनी डिग्रियां ली है? हमने अगर ग्रेजुएशन करी है, लॉ करी है, या बी फार्मा करी है, कुछ भी करा है, तो हमने किसी भैया दीदी के ट्यूशन से तो नहीं किया ना, हमने किसी एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से किया है, जिसको गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है डिग्री देने के लिए, ये डिग्री के बारे में पढ़ाने के लिए, तभी हम लोग इसको रिकॉग्नाइज मान रहे हैं ना, तभी हमारी डिग्रीज हमारे जॉब के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए काम आ रही है ना, क्यों? क्योंकि एक रिकॉग्नाइज बोर्ड द्वारा वो हमें रिकॉग्नाइजेशन से मिली है। वैसे ही भगवान ने भी चार तरीके की परंपराओं को, चार तरीके की संप्रदायों को क्या क्या है रिकॉग्नाइज किया है, स्कंद पुराण में वर्णन आता है इसका, कि वो चार संप्रदाय कौन सी है जिनसे हमें भागवत ज्ञान लेना चाहिए, जो भी गीता भागवतम या कोई भी शास्त्रों ज्ञान है इन परंपराओं से ही लेना चाहिए। वो चार संप्रदाय कौन सी है, शायद आप लोगों ने सुनी होंगी, किसी को थोड़ा आइडिया है कौन सी फोर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन है, स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन है जो भगवान द्वारा डायरेक्ट रिकॉग्नाइज्ड है? पहली संप्रदाय है ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, है ना, ब्रह्म माधव संप्रदाय है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में आपको मिलेंगे डिवोटीज, ये संप्रदाय है जब भगवान ने सृष्टि में क्रिएशन में सबसे पहली नॉलेज ब्रह्मा जी को दी थी, जब वो ब्रह्मा जी का जब जन्म हुआ है, ब्रह्मा जी को कुछ नहीं दिख रहा उनके आसपास क्या है, तो वो कई हजारों साल तक तपस्या करते हैं, फिर भगवान प्रकट होकर उनको ज्ञान दे रहे हैं, तो फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया, वो ज्ञान किसको दिया, नीचे अपने पुत्र नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास देव जी को दिया, इस तरीके से एक पूरी गुरु डिसाइपली सक्सेशन चैन के नीचे आई है। इस पहली संप्रदाय को बोलते हैं ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, जिससे हमें भगवत गीता भागवतम इन सब से रिलेटेड ज्ञान हमें लेना चाहिए। दूसरी संप्रदाय है श्री संप्रदाय, जो कि साउथ इंडिया में मेजर में पाई जाती है, साउथ इंडिया में आपने सबसे ज्यादा नाम सुना होगा तिरुपति बालाजी का, श्री रंगनाथ जी का, है यहाँ पे लक्ष्मी नारायण जी की बहुत पूजा की जाती है, तो ये जो संप्रदाय है इसमें भगवान ज्ञान दे रहे हैं लक्ष्मी जी को, फिर लक्ष्मी जी के डिसाइपल्स के थ्रू क्या है उनके फॉलोअर्स के थ्रू ये ज्ञान डिसाइपलिक सक्सेशन से नीचे आया, गुरु ने शिष्य को दिया, वे शिष्य जब गुरु बना तो उन्होंने अपने शिष्य को दिया, इस तरीके से ज्ञान इस रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में नीचे आया, ये थी दूसरी संप्रदाय। तीसरी संप्रदाय कौन सी है, शायद आप लोगों ने सुनी होगी, कुमार संप्रदाय, वृंदावन में एक बड़ा बहुत ही वर्ल्ड फेमस टेम्पल है बांके बिहारी जी का, सुना है आप लोगों ने, सब जानते होंगे बांके बिहारी टेम्पल, कुमार
कुमार संप्रदाय में आता है। कुमार संप्रदाय में भगवान ज्ञान दे रहे हैं किनको, ब्रह्मा जी के चार पुत्रों को, जो चार पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, चार कुमारों को, उनको ज्ञान दे रहे हैं, उनको नॉलेज दे रहे हैं, उनके थ्रू डिसाइपिक सक्सेशन से ज्ञान नीचे आ रहा है। चौथी संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय, जिसमें भगवान ज्ञान दे रहे हैं किसको, शिव जी को, फिर शिव जी की संप्रदाय के, शिव जी के फॉलोवर्स के थ्रू ज्ञान नीचे आ रहा है डिसाइपिक सक्सेशन से। तो ये चार रिकॉग्नाइज संप्रदाय है भगवान की। तो जो अभी हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं, ये भगवद गीता आती है ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में। और अब किसी भी भगवद गीता को उठाइए, देखिए उस भगवद गीता में प्रूफ, अपनी ये इस चीज को प्रूफ करने के लिए पूरी गुरु डिसाइपिक सक्सेशन चैन के बारे में जरूर दिया होगा। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये जो हम गीता पढ़ रहे हैं ना, इसमें सभी गुरुओं के नाम है। मैं एक बार आपको स्क्रीनशॉट शेयर करके दिखाता हूँ। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा भगवत गीता का इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन में बिल्कुल लास्ट में द डिसाइपलिक सक्सेशन आ रही है, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदु। भगवान गीता के 4.2 चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में कह रहे हैं कि ये जो भगवत गीता का ज्ञान है ना, ये एवं परंपरा प्राप्तम है, ये परंपरा से प्राप्त किया जाता है। और ये देखिए इस पे पूरी गुरु डिसाइपलिक सक्सेशन है। कृष्ण है, कृष्ण से ब्रह्मा को आ रहा है, ब्रह्मा से नारद को, नारद से व्यास को, फिर मध्वाचार्य को, फिर पद्मनाभ स्वामी को, नरहरि सरकार को, माधवाचार्य को, अक्षोभ्य, जय तीर, जया सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, ऐसे करते हुए देखिए सभी आचार्य के नाम है। और यहाँ पे जगन्नाथ दास गोसाई महाराज है, भक्ति विनोद ठाकुर है, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज है, भक्ति सिद्धांत भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज है, फिर एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद है, जो कि इस्कॉन के फाउंडर है। तो ये पूरी डिसाइपलिक सक्सेशन यहाँ दिख रही है। और ये भी ऐसे नहीं मनगढ़ंत कोई सा भी नाम लिख दिया है, आप गूगल पे डालिए, आप जाके लाइब्रेरीज में देखिए, जाके जो वृंदावन में कई सारे हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन लाइब्रेरी है, इन सब चीजों के ऊपर जो रिसर्च करते हैं, उसमें इन सभी के द्वारा लिखी गई भगवद गीता की कमेंट्रीज आपको मिलेंगी, इन सभी के नाम आपको मिलेंगे। ये सब बोनाफाइड गुरुज आचार्याज हैं इस संप्रदाय के। तो इससे ये प्रूफ होता है, ये हमें एक क्राइटेरिया मिलता है कि हम कैसे भगवत गीता को या किसी भी ग्रंथ को हम पढ़ रहे हैं, तो कैसे उसको पहले जज करें कि हम किसी बोनाफाइड ग्रंथ को पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए हमारी श्रद्धा है कि हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि हम चीटेड हो जाए, है ना, हमारे संग चीटिंग हो जाए, क्योंकि इंडिया को तो माना ही जाता है द फैक्ट्री ऑफ गॉड, यहाँ पे तो भगवान का निर्माण होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है यहाँ पे भगवान की। तो क्योंकि इंडिया में आप हर स्टेट में जाओगे, हर गांव में जाओगे, कोई ना कोई नया वहां का बना हुआ भगवान, आपको नया बाबा कोई ना कोई जरूर मिलेगा। तो और यूट्यूब पे तो भरमार है, यूट्यूब पे आप देखेंगे तो यूट्यूब पे सबने अपने अपने ज्ञान दे रखे हैं भगवद गीता के ऊपर, चाहे उसने पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, है ना। आपने कहीं देखे होंगे लोगों के स्टेटस लगे होते हैं कि श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण ये कहते हैं, श्री कृष्ण ने ये कहा है, किसी को पता ही नहीं भगवान ने कहा है कि नहीं कहा है, ऐसे उल्टे सीधे सिद्धांत भगवान के नाम पे, गीता के नाम पे प्रमोट किए जाते हैं। तो अगर हम कहीं पे गीता पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, सबसे पहले उनसे पूछिए कि आप कौन सी संप्रदाय में आते हैं, कौन से रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन में आप आ रहे हैं, और अपनी पूरी गुरु डिसाइपलिक सक्सेशन जो जो पूरी चेन है वो आप पूरी बताइए, है ना। उसके अलावा भी गीता को जज, आपको अगर देखना है कि गीता एक्चुअल में बोनाफाइड भगवत गीता है कि नहीं है, तो उसके रिजल्ट को देखिए कि गीता पढ़ने के बाद लोगों की लाइफ में या आपकी खुद की लाइफ में क्या रिजल्ट आया है ना। आप देखें अमेरिका जैसी कंट्री या यूरोपियन यूरोप में जैसी जिस तरीके का कल्चर है, वहां पे लोग बचपन से ही गलत काम करना सीखते हैं, है ना। मतलब जैसे हमारे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, जो कि हमारे धर्म में प्रिंसिपल्स पिलर्स बताए गए हैं, धर्म के स्तंभ बताए गए हैं, है ना। वो स्तंभ तो उनके लिए मतलब ऐसा है कि उनके अगेंस्ट उनकी लाइफ टिकी हुई है। जैसे फर्स्ट है मीट ईटिंग नहीं करना, किसी प्रकार का मांसाहार नहीं करना, तो वो तो गाय के मांस के अलावा कुछ और खाते भी नहीं है, है ना। एक बार एक डिवोटी थे, अमेरिकन डिवोटी थे, तो हमने उनसे पूछा था कि आप इस्कॉन से जुड़ने से पहले आपने कितनी बार वेज खाया था, तो उन्होंने बोला मैंने आज तक कभी वेज खाया ही नहीं था, वेज खाया था तो नॉन वेज के साथ ही खाया। तो उन्होंने, आप खुद सोचिए, उन्होंने कभी वेज खाया नहीं, बचपन से लेके अब तक से नॉन वेज ही खाते आ रहे हैं, है ना। इस्कॉन से जुड़ने के बाद उन्होंने क्या, नॉन वेज को छोड़ा और वेज कृष्ण आहार को एक्सेप्ट किया। ऐसे ही दूसरा प्रिंसिपल है कि किसी प्रकार का नशा नहीं करना, है ना। अब अमेरिका या फिर दूसरी कंट्रीज में आप जाएंगे, छोटे छोटे बच्चों के लिए बियर पीना बहुत बड़ी बात नहीं है। अब हम किसी को देखेंगे ना बच्चों को बियर पीते हुए तो हम लोग शॉक हो जाएंगे, बट अमेरिका जैसी कंट्रीज में या यूरोपियन कंट्रीज में ये बहुत नॉर्मल है। अवैध संबंध नहीं बनाना, किसी प्रकार का क्या, किसी अपनी शादी के अलावा किसी और से किसी प्रकार का फिजिकल रिलेशन ना बनाना, ये भी नॉर्मल है। आप देखिए सबसे यंगेस्ट कपल आप गूगल पे डाल के देखिएगा, मैं आपको नहीं बताऊंगा उसके बारे में, आप खुद ही गूगल पे सर्च करिएगा यंगेस्ट कपल, जो कि अमेरिका का कपल है, 12 साल के बच्चों का, एक 12 साल का लड़का है शायद और 9 या 10 साल की लड़की थी, यंगेस्ट कपल है, उसमें भी लड़की प्रेग्नेंट थी। तो इतना बुरा हाल है। और चौथा कि नो गैम्बलिंग,
है ना, किसी प्रकार का जुआ ना खेलना। तो ये चार हमारे प्रिंसिपल्स हैं जिन पे हमारे धर्म के पिलर्स बताए जाते हैं कि जो इनको पालन करता है वो इंसानों की कैटेगरी में आता है ना। अब ये तो बाहर के लोगों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है इन सब चीजों को पालन करना, है ना। वो तो नशा करना या फिर ये सब, जब प्रभुपाद गए अमेरिका में भगवद गीता को लेके इसका प्रचार करने के लिए, तो वहां के तो लोगों का उस समय तो मूवमेंट ही हिपी मूवमेंट चल रहा था, जिसमें एलएसडी ड्रग्स लेना, हर तरीके का नशा करना उनका मूवमेंट का हिस्सा था कि हम कुछ भी इकोनॉमिकल हेल्प नहीं करेंगे गवर्नमेंट की, हम क्या करेंगे, सिर्फ नशा नशा करेंगे। तो लोग वहां तो ऐसे मूवमेंट के बीच में प्रभुपाद बस उनको गीता सुनाते थे और कीर्तन सुनाते थे, बस वो लोग बस गीता सुनने या कीर्तन सुनने भी नहीं आते थे। प्रभुपाद ने अपनी एक छोटी सी दुकान किराए पे ले रखी थी, वहां पे क्या प्रभुपाद गुलाब जामुन बना के रखते थे अपनी टेबल पे, उसकी खुशबू से ये सारे हिपीज वहां पे आ जाते थे, वो बस गुलाब जामुन खाने के लिए, बस वो गुलाब जामुन की वजह से वो कीर्तन सुनते थे और गीता सुनते थे। और विद इन फ्यू वीक्स, कुछ ही हफ्तों में सबकी लाइफ चेंज हो गई। दे गॉट इनिशिएटेड बाय श्रील प्रभुपाद एंड देन प्रभुपाद से दीक्षा भी ली उन्होंने कुछ ही हफ्तों में, और पूरे पूरे विश्व में अलग अलग ट्रैवल करके प्रचार किया। तो देखिए ऐसे लोगों की भी जिंदगी चेंज हो गई। तो ये क्या है, ये बताता है कि भगवद गीता में नॉलेज एज इट इज आ रही है ना। इस तरीके से हम इस चीज को जज कर सकते हैं। तो अभी हम जल्दी से अपने वर्ड्स पे आते हैं, जिस वर्ड्स पे आज हमें डिस्कस करना था, ऑलरेडी हमारा टाइम ओवर हो गया है, तो हम इसको बस रिसाइट करेंगे और नेक्स्ट क्लासेस पे डिस्कस करेंगे। ये भगवान जो पहला प्रिंसिपल भगवद गीता का अर्जुन को दे रहे हैं, ये वो प्रिंसिपल है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है क्योंकि ये बहुत सारे उल्टे सीधे सिद्धांतों को काटता है। बहुत सारे जो उल्टे हमने सिद्धांत प्रिंसिपल सुने हुए होंगे कि एक को मानो, एक को जानो, एक हो जाओ, है ना, या हम सब एक है, हम सब क्या होंगे मरने के बाद, एक हो जाएंगे, एक ब्रह्म ज्योति में मिल जाएंगे, ये सब उल्टे सीधे सिद्धांत सुने, जरूर सुने होंगे आपने ना। भगवान इस पहले श्लोक पहले ही अपने प्रिंसिपल में इसको काट रहे हैं। पहले भगवान अर्जुन से बोलेंगे 2.11 में, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैड सेड, व्हाइल स्पीकिंग लर्न वर्ड्स, यू आर मोर्निंग फॉर व्हाट इज नॉट वर्थी ऑफ ग्रीव, दोज हु आर वाइज लैमेंट नाइदर फॉर द लिविंग नॉर फॉर द डेड, है ना। जो कि वाइज है, समझदार है, वो कभी दुख नहीं मनाते, ना जिंदा का ना दुख का। अब क्यों, अब भगवान इसका पहला प्रिंसिपल बताएंगे, ना तो वाहम जातु नासम, ना त्वम ने मे जनाधिपा, ना चेव ना भविष्याम, सर्वे व्यमतः परम। तो आप एक बार, मैं हम लोग रिसाइट करते हैं एक बार मिलके, वर्ड टू वर्ड आप लोग मेरे पीछे एक बार बोलेगा पहले, ना त्वे वाहम जातु नासम, ना त्वम नेमे जनाधिपः, ना चेव ना भविष्यामः, सर्वे व्यमतः परम। आप लोग अपना माइक ऑन कर लीजिए, किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, प्लीज जल्दी से ऑन कर लीजिए बस, जल्दी से। फिर हम एक बार और रिसाइट करते हैं, अब पूरा सेंटेंस लेके रिसाइट करेंगे। आप लोग एक बार, मैं करूंगा, आप लोग पीछे पीछे प्लीज ट्राई करिएगा। आप सब लोगों को रिक्वेस्ट है अपना माइक ऑन कर सकते हैं ताकि सब इसमें पार्टिसिपेट करें, ना ना तो एवाहम जातु नासम, ना ना त्वं ने मे जनाधिपः, ना चेव ना भविष्यामः, सर्वे व्यमतः परम्। सर्वे व्यमतः परम्। ना तो एवाहम जातु नासम्, ना त्वं ने मे जनाधिपः, ना त्वं ने मे जनाधिपः, चेव ना भविष्यामः, ना भविष्यामः, सर्वे व्यमतः परम्। व्यमतः परम्। आप में से कोई रिसाइट करना चाहे फिर हम इसके ट्रांसलेशन पे जाएंगे जल्दी से, कोई भी। प्लीज जल्दी से आप लोग थर्ड फ्लोर से, फर्स्ट थर्ड फ्लोर से कोई रिसाइट करना चाहे श्लोक को, बहुत सुंदर, बहुत इजी श्लोक है। तो ना त्वेवाहं जातु नासं, ना त्वं नेमे जनाधिपा, ना चेव नभविष्यामः, सर्वे व्यमतः परम्। बहुत सुंदर, आपने बिल्कुल परफेक्ट इसको रिसाइड किया। और कोई, प्लीज जल्दी से, दो ऑलरेडी हम टाइम को क्रॉस कर चुके हैं, इसका जल्दी से ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, इस पर डिस्कस बट हम नेक्स्ट सेक्शन सेशन में करेंगे। एनीवन एल्स?
चंचल आप करो रिसाइट। ना तो हम बाहर जातु नासा, ना तो हम नेमे जना दिपा, ना चे नव विश्यमा, सर्वे व्ययमुता परम। बहुत सुंदर। फ्रॉम सेकंड फ्लोर नेहा आप करिए रिसाइट। नेवाहम जातु नासम, न त्वं नेमे जनाधिपा, न च नभविष्यामः, सर्वे वयमत परम। अच्छा मानसू आप करो। करोगे और अच्छे इसका ट्रांसलेशन वो चलते हैं जल्दी से। नेवर वॉज देयर अ टाइम वेन आई डिड नॉट एग्जिट, नॉर यू, नॉर ऑल दिस किंग्स, नॉर इन द फ्यूचर शेल एनी ऑफ अस सीज टू बी। भगवान क्लियर अर्जुन को कह रहे हैं ऐसा कभी समय नहीं था कि मैं एग्जिस्ट नहीं करता था, ना तुम, ना कभी ऐसा समय था ना तुम एग्जिस्ट करते थे, ना ये राजा एग्जिस्ट करते थे, ना कभी फ्यूचर में ऐसा होगा कि हम एग्जिस्ट नहीं करेंगे। भगवान सीरियस अर्जुन को बता रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं होने वाला कि हमारी एग्जिस्टेंस कभी खत्म होगी, चाहे मरने के बाद भी। अब भगवान ने इसके अंदर ना इस श्लोक में बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए हैं, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ये श्लोक बहुत बहुत सुंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जो हमें हमारा खुद का सेल्फ रियलाइजेशन बताता है ना कि हम कौन है। यहाँ सेकंड चैप्टर में अर्जुन को भगवान पूरा सेकंड चैप्टर अर्जुन को यही बताने में लगा देंगे भगवान कि तुम हो। अर्जुन तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो अपने गुरु के बारे में, अपने पिता के बारे में, अपने खुद के बारे में, सब पूरी जन सभी लोगों के बारे में, जन कल्याण के बारे में, तुम ये तो जान तो लो तुम किसके बारे में बातें कर रहे हो, वो है कौन, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, है ना। भगवान सेकंड चैप्टर में अर्जुन को यही बताएंगे, बहुत सारी एनालॉजीज देंगे, बहुत कुछ डिस्कस करेंगे अर्जुन से। अर्जुन को पहले ये प्रूफ करेंगे कि अर्जुन तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। जब अर्जुन को पता चल जाएगा कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, वो है कौन, फिर क्या, फिर भगवान भगवद गीता के कुछ प्रिंसिपल्स पे जो कर्म के सिद्धांत है उनसे बोलना स्टार्ट करेंगे। थर्ड फोर्थ फिफ्थ चैप्टर में भगवान ने कर्म सिद्धांत ही बोला है। फिर उसके बाद सिक्स सेवन एट नाइन्थ में भगवान क्या है, ज्ञान ज्ञान योग के बारे में बताएंगे। फिर धीरे धीरे भगवान गुह्यम ज्ञान के बारे में बताएंगे, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज की तरफ जाएंगे। फिर ऐसे करते हुए भक्ति योग में जाएंगे। फिर 18 चैप्टर आके उसको समराइज करेंगे। तो और बीच में 10th 11th चैप्टर आएगा जिसमें भगवान अर्जुन को बताएंगे कि भगवान कौन है, भगवान कहाँ का एग्जिस्ट करते हैं। सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि भगवान मूर्तियों में, मंदिरों में या सिर्फ गीता में शिवम जी, मेरा एक शिवम जी मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ बिल्कुल। शिवम जी जैसे ये आयुर्वेदा वगैरह में बीमारियों के इलाज के बारे में बता रखा है, तो जैसे ऑब्वियस ही बात है कि जब युद्ध हो रहा था तो उस टाइम भी बहुत सारी हानियां क्षति हो रही होगी लोगों को, तो उस टाइम श्री हाँ कृष्ण ने इसके बारे में कुछ जिक्र करा है भगवद गीता में आयुर्वेद के बारे में, स्पेसिफिकली? नहीं स्पेसिफिकली आयुर्वेदा के बारे में नहीं, किसी बीमारी के जैसे कोई पर्टिकुलर बीमारी कैसे ठीक हो सकती है, कुछ ऐसा समथिंग रिलेटेड टू हेल्थ। देखिए ये जो आपका टॉपिक है ना कि बीमारी कैसे ठीक होगी, बेसिक आयुर्वेदिक के टॉपिक में आ गया है ना, और जस्ट ये ना बहुत स्पेसिफिक है, बट भगवत गीता ना प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। ऐसे तो भगवान अर्जुन को ये भी बता सकते थे ना कि कौन से मंत्र से कौन सा अस्त्र निकलेगा, है ना, कैसे तीर चढ़ाना है, कैसे घोड़े भगाने हैं, है ना, कैसे किसको हराना है, भीष्म पितामह को कैसे हराना है, द्रोणाचार्य को कैसे बताना है, ये भगवान ने बताया है, बट युद्ध के टाइम बताया है। बट बेसिकली ये जो 45-47 मिनट्स थे ना कुरुक्षेत्र के टाइम पे, कुरुक्षेत्र में जो युद्ध के समय जो 47 मिनट्स भगवान और अर्जुन के बीच का जो कन्वर्सेशन था, उसमें भगवान ने प्रिंसिपल्स के ऊपर चर्चा करी है। अब भगवान 10th और 11th चैप्टर में इसके बारे में बताएंगे, इस दवाइयों के बारे में बताएंगे, बेसिकली जो दवाइयां हैं वो कहाँ से आती है, उनका सोर्स क्या है, भगवान ये बताएंगे बस। पर ये नहीं बताएंगे कि स्पेसिफिक कौन सी बीमारी के लिए, उसके लिए आप भगवान ने वेदास में आयुर्वेदिक का एक सब्जेक्ट दिया है जहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हो। बट गीता में बेसिकली प्रिंसिपल्स के ऊपर चर्चा हुई है, प्रिंसिपल्स के ऊपर डिस्कशन है, जो कि जो नहीं जैसे प्रिंसिपल्स ये हम 10th और 11th चैप्टर के अंदर भगवान बताएंगे दवाइयों के बारे में, तो वो क्यों बता रहे हैं जैसे प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, तो
11th में दवाइयां मतलब एक ऊपर बता नहीं रहे, भगवान ये कह रहे हैं, भगवान बेसिकली एक ही श्लोक है जिसमें भगवान कह रहे हैं, एक श्लोक में भगवान कह रहे हैं, 10th शायद 11th चैप्टर में है वो, जिसमें भगवान ये कह रहे हैं जो दवाइयों की जो क्योरिंग पावर है, जो दवाइयां की जो ठीक करने की, किसी को ठीक करने की पावर है ना, वो मैं हूँ। भगवान सिर्फ ये एक श्लोक में ये प्रिंसिपल बता रहे हैं। भगवान इवन ये भी बोल रहे हैं जो खाना आप खा रहे हो उसको पचाने की जो शक्ति है आपके पेट में, वो भी मैं हूँ। इस तरीके से भगवान बता रहे कि वो कौन है। 10th और 11th चैप्टर में भगवान ने पूरे अच्छे से अर्जुन को प्रैक्टिकली बताया मैं हूँ कौन। भगवान को अपना विराट रूप दिखा रहे हैं ना वहां पर अर्जुन को, अर्जुन को वहां विराट रूप के दर्शन हो रहे हैं। उसके बाद अर्जुन झेल नहीं पाता विराट रूप के दर्शन भगवान के, भगवान से कहता है भगवान मुझसे नहीं देखा जा रहा, नॉर्मल रूप में आइए, जो आपका एक्चुअल रूप है उस रूप में आइए। फिर भगवान उसको क्या इन सब सिद्धांतों के ऊपर बताएंगे। तो गीता में प्रिंसिपल्स ही डिस्कस्ड है। अभी हम पढ़ेंगे ना आगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़े, अभी हम बहुत जल्दी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करके सेकंड पे भी आ गए हैं। सेकंड चैप्टर काफी बड़ा है, सेकंड और 18 चैप्टर गीता के सबसे बड़े चैप्टर्स हैं। तो सेकंड चैप्टर शायद थोड़ा टाइम लगे बट बहुत अच्छा, इस सेकंड चैप्टर की हमारी जर्नी बहुत अच्छी रहेगी। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट अगर कोई बोलना चाहे फिर बाइंड अप करते हैं। आज हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया, हमने डिस्कस कर लिया कि डिसाइल्पिक सक्सेशन चेन क्या है ना, भगवत गीता या भागवत, या इवन हम जब मटेरियल नॉलेज भी हम ले रहे हैं तो किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं ना, किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से हम पढ़ रहे हैं, तो हम जब स्पिरिचुअल नॉलेज हम लोग गेन करना चाहते हैं तो हम उसमें जज क्यों नहीं करते, उसमें क्यों नहीं चूजी बनते कि मेरे को क्या है किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से ही या फिर किसी बोनाफाइड गुरु से या बोनाफाइड किसी ऑर्गेनाइजेशन से ही ज्ञान लेना चाहिए। तब हम क्यों सिर्फ यूट्यूब खोल के कुछ भी पढ़ ले या सुन लेते हैं ना, यहाँ पे भी हम लोग, हमको इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हमारे जो बेसिकली संस्कृति खराब हुई है वो इन मिस इंटरप्रिटेशन से ही हुई है ना। अंग्रेजों ने या मुगलों ने क्या किया था, हमारी संस्कृति को, हमारे लोगों को कैसे तोड़ना था, बस उनकी संस्कृति से उनकी जो रूट्स हैं उनको खाड़ दो। हमारी रूट्स, हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर था जिससे हम लोग जुड़े हुए थे। इसलिए तो जब मुगल आया, मुगलों ने आके क्या किया, मुगलों ने आके सबसे पहले हमारे जितने भी गुरुकुल थे उनको डिस्ट्रॉय किया है ना, हमारे जहाँ स्क्रिप्चर्स, हमारे शास्त्र जहाँ रखे हुए थे उनको खत्म किया, जो पंडित जो लोग थे जो इन ज्ञान को आगे बढ़ा रहे थे उनको मारना स्टार्ट किया। मुगलों में कॉम्पिटिशन होता था, आपको यकीन नहीं होगा, मुगलों में कंपटीशन पता है किस चीज का होता था, कंपटीशन ये होता था कि कौन कितने जनेऊ इकट्ठे करके लाएगा, मतलब एक ब्राह्मण को मारेंगे तो एक जनेऊ, ऐसे करके कितने किलो जनेऊ कौन लेकर आता है, ये मुगलों के बीच में कंपटीशन होता था। आपस में शिकार पे निकलते थे, ब्राह्मणों के शिकार पे निकलते थे। अब देखिए उन लोगों ने, इसलिए तो हमारे जो कोर है, जो मेन चीज है, उस पर इसलिए तो अटैक किया। इसका हमें अभी भी ध्यान रखना है कि ये अटैक स्टिल गोइंग ऑन, ये अटैक अभी भी चल ही रहा है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ वाइंड अप कर रहे हैं, अगर और किसी को क्वेश्चन नहीं है तो लेट्स चैंट हरे कृष्ण महामंत्र एंड दिस सेशन हियर। आप लोग एक बार अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। हम एक बार हाथ ऊपर करके भगवान से प्रार्थना करेंगे, जो अभी हमने सुना उसको हम अपने कहाँ पे लैंड कराए, सीधा हार्ट में लैंड करा पाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे श्री भगवद गीता की जय।